सेनेटर दोस्त मोहम्मद खान साहब, जवाब आ गया है लेकिन अभी इसको अगले रोटा डे पे डाल दिया है ताकि फिर इस पे नहीं सर सर मैं जी सर बताएं सर सर मैं इस बात पे हैरान हूँ कि शेख रशीद जो है ना प्रिंट मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे डेली नजर आते हैं और यहाँ पे कभी हमने इसकी शिकल भी नहीं देखी है कि किस किस्म का शिकल है जी। बिल्कुल तो सही कह रहे हैं शेख साहब, को आना चाहिए और यहाँ हमें जवाब दें और ताकि हम उसका शिकल भी तो देख लें कि किस किस्म का बंदा है। ठीक है जी, ठीक है। सेनेटर हाजी हिदायतुल्लाह खान साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब, चेयरमैन साहब जी। ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स सर जी, बहुत शुक्रिया सर। वो मैंने तारीफ दोस्त मोहम्मद खान साहब की क्या कर दी कि वो बाकायदा अब लोगों के हुसन पे कमेंट करने लगे हैं, तो माशाल्लाह वो खुद भी बड़े आज हसीन लग रहे हैं, सूट पहना हुआ है, और शेख साहब भी हसीन और जमील हैं, तो उन दोनों में मुकाबला हुसन करा लेते हैं और जज उसके मौलाना ताऊ रहमान साहब को कर दें, तो वो फैसला कर देंगे कि दोस्त मोहम्मद खान साहब खूबसूरत हैं। सवाल का जवाब दे और शेख साहब को कहें इधर हाउस में आए, सेनेट में सर वो आते रहते हैं, यहाँ पे भी दीदार कराएं हाउस को, थोड़ा सा बार भी हो सकता है जी। अच्छा, जहाँ तक हिदायत साहब के हिदायतुल्लाह साहब के सवाल का ताल्लुक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस पे हुकूमत का खास फोकस भी है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सर इसलिए है कि रोज़ाना तकरीबन 500 से लेकर 700 मेट्रिक टन वेस्ट जो है वो इस्लामाबाद से जनरेट या क्रिएट होता है सर। उसके लिए जो फ़िलहाल साइट्स मख्तस की गई I-12 में या H-16-3 में सर, उसमें जो आपने बात की है बिल्कुल ये इश्यूज़ अपनी जगह पर मौजूद हैं कि वहाँ उसके एनवायरमेंटल इश्यूज बनेंगे। इस सिलसिले में जो उसका एक बहुत ही मुनासिब हल है वो ये है कि रिसाइकलिंग प्लांट्स इसके लिए हम लगा दें। उस सिलसिले में आपने देखा होगा लाहौर के बाहर मुख्तलिफ जगहों पर रिसाइकलिंग प्लांट्स जो हैं वो लगे हुए हैं, उसी तर्ज में हम यहाँ भी करने जा रहे हैं।